आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप आसानी से कोई भी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग कैसे बना सकते हैं और अगर मुझे कभी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनानी पड़ती है तो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग को बनाता हूं। दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं वह वंडरशेयर का EdrawMax सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल के अलावा और भी कई अलग अलग टाइप की डिजाइन को बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाना भी सिखाऊंगा कि आखिर आप आसानी से कैसे एक ड्राइंग को बना सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम 1000 से ज्यादा हाई क्वालिटी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब आखिर ये टेम्पलेट क्या है वो भी अभी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह जो हमारा ईड्रो सॉफ्टवेयर है इसे हम विंडोज, मैक, लिनक्स सभी के अंदर उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट हम बिना इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे भी हम ऑनलाइन किसी भी ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों, जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसका सिंपल सा इंटरफेस आता है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे कई सारी टेम्पलेट आ जाती है जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन हमको अभी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग में इस टेम्पलेट का कहीं पे भी उपयोग नहीं है। हमको डायरेक्ट यहाँ पे जो टेम्पलेट चाहिए वो इलेक्ट्रिकल की चाहिए, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के सेक्शन में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग प्लान और भी कई सारी आपको टेम्पलेट यूज करने को मिल जाती है। और अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल की देखें तो इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे कई सारी हमें टेम्पलेट देखने को मिल जाती है जिसे हम डायरेक्ट सिंगल क्लिक करके आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी के केस में मैं एक सिंपल पेज को लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि हम किसी भी ड्राइंग को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक सिंपल खाली सा पेज दिख जाता है और इसी के साथ में इस सॉफ्टवेयर का हमें बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब हमारे इलेक्ट्रिकल की किसी भी ड्राइंग के अंदर सबसे मुख्य क्या होते हैं, वह है हमारे सबसे मुख्य सिंबल होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाने के लिए हमको कई सारे ढेरों सिंबल की आवश्यकता होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कई सारे सिंबल देखने को मिल जाते हैं। अगर हमें इनमें से किसी भी सिंबल को उपयोग करना होगा तो हम डायरेक्ट इस सिंबल पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे और ऐसा करने के बाद में हम हमारे इस सिंबल को कहीं पे भी उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी के केस में मैं हमारे इस सिंबल को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर हम एक इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर ड्राइंग को बनाएंगे जिसके अंदर अभी हम यहां पे DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कई सारे सिंबल की आवश्यकता होगी, तो वह सभी सिंबल हमें इस लेफ्ट सेक्शन में हमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सिंबल नहीं मिलता है तो ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स का आइकन भी दे रखा है और यहाँ से आप आसानी से सर्च करके किसी भी सिंबल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉइल लिखा और मेरे को कॉइल के रिलेटेड कई सारे सिंबल आसानी से मिल गए। तो दोस्तों, अभी के केस में हमें भी ड्यूल स्टार का कंट्रोल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्टेक्ट कॉइल की होगी, तो अब मैं इस कॉइल को यहाँ से उठा के इधर बीच में ला के छोड़ देता हूँ और ये मेरी कॉइल बीच में हमें मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए होगी, तो हमें एक सर्किट ब्रेकर चाहिए होगा, तो वो हमें स्विच के सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर हम अभी इसे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ गया सर्किट ब्रेकर सिंगल फेज, तो हम क्या करेंगे इस सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको एक NONC पुश बटन चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है NONC पुश बटन का सिंबल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक NO पुश बटन ले लूंगा और साथ ही साथ एक NC बटन को भी हमारे वर्क स्पेस पे लाके छोड़ दूंगा। इन चारों के बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो हमें एक होल्डिंग के लिए भी NO कॉन्टेक्ट चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक NO कॉन्टेक्ट ले लूंगा। इस ड्रॉइंग को पूरी करने के लिए आखिरी में हमें सिर्फ एक और सिंबल की आवश्यकता है जो कि हमारी ओवरलोड रिले है। तो अगर हम ओवरलोड रिले का सिंबल देखते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है और हम इसे भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब इन सभी सिंबल को ले लेने के बाद में हमें सिंपल इन सभी को आपस में कनेक्ट करना है और हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हमने सभी सिंबल पूरे ले लिए हैं तो हम इस सिंबल वाले सेक्शन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं और हम चाहे तो हमारे वर्क स्पेस को यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी सिंबल को सीरियल वाइज जमा लेंगे। सबसे पहले हमको सर्किट ब्रेकर लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे सर्किट ब्रेकर रख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले को लाएंगे। यह ओवरलोड रिले अभी हमारी क्रॉस कंडीशन में, तो इसको हमें घुमाना पड़ेगा। तो इसी ओवरलोड रिले को हम यहाँ से आसानी से घुमा भी सकते हैं और यहाँ पे इसको घुमा के आसानी से छोड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट हम वापस हमारे NC बटन और NO बटन दोनों को पोजीशन पे लाके रोटेट करके यहाँ पे सेट कर देते हैं और आखिरी में हमारे इस कॉन्टेक्ट की होल्डिंग रह जाती है, तो इसे भी हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देते हैं। इस तरीके से सभी सिंबल को जमा लेने के बाद में हमें इन सभी को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर हमें कनेक्टर ऑप्शन दे रखा है। इस कनेक्टर ऑप्शन में यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अभी हमें स्ट्रेट कनेक्टर चाहिए, मतलब हमें सीधी लाइन ही टच करनी है, तो हम स्ट्रेट कनेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमें जिन सभी पॉइंट को आपस में जोड़ना है उसे हम आसानी से इस कनेक्टर की मदद से जोड़ सकते हैं। सभी सिंबल को आपस में जोड़ लेने के बाद में हम ऊपर एक फेस लाइन और नीचे एक न्यूट्रल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट हमें किसी भी ड्राइंग को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, हमें इन सभी सिंबल के आगे इनका नाम लिखना होता है। तो इसके लिए काफी सिंपल सी चीज है, हमें डायरेक्ट टेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और जिसका हमें नाम देना है उसके आगे हम डायरेक्ट जाके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी बात करें तो यहाँ पे MCB है, तो हम यहाँ पे इसे MCB लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे OLR रिले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OLR।
और इसके बाद में स्टार्ट स्टॉप K1 K1 होल्डिंग इन सभी को भी हमने रीनेम कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा करते ही हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो इसके लिए यहाँ पे फाइल मैनेजर में हम जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमको एक्सपोर्ट बटन दिख रहा है। इस एक्सपोर्ट बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि हम हमारे सर्किट को या फिर किसी भी डायग्राम को ग्राफिक के तौर पे, पीडीएफ के तौर पे, या फिर ऑफिस HTML SVG या फिर माइक्रोसॉफ्ट के VCO के फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं। अभी के केस में हम क्या करते हैं, अभी हम हमारे इस सर्किट को PDF के फॉर्म में सेव करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे PDF के फॉर्म पे क्लिक करके इसे सेव कर लूंगा। और दोस्तों सेव करने के बाद में आप यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग पूरी तरीके से PDF के फॉर्म में सेव हो चुकी है। दोस्तों जिस तरीके से अभी हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर एक ड्यूल स्ट्रेटेजी कंट्रोल वायरिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से आप यहाँ पे आके इलेक्ट्रिकल किसी भी ड्राइंग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इस EdrawMax सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट के VCO से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें 1000 से भी ज्यादा टेम्पलेट देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर हम सिंबल की बात करें, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें 26000 से भी ज्यादा सिंबल देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बना देते हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी वंडर शेयर के इस EdrawMax सॉफ्टवेयर को लेना चाहता है तो उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जुड़े अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।